से हमें ये बात पता चलती है कि आजकल जो मेन चीज है कि लोगों को ये लगता है कि ड्रग्स वगैरह लेने से वो बहुत कूल दिखते हैं और सोशल मीडिया स्वैग सबको रखना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्वैग को दूर रखिए और अपने पेरेंट्स के बारे में पहले सोचिए। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको स्कूलों में भेज रहे हैं और आप इस चीज के पीछे लगे पड़े हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और ये नशा इतना विध्वंस शिकारी है, आज भले ही मजाक लगेगा, आज भले ही शौक लगेगा, लेकिन ये एक बच्चे को अनाथ कर देता है, एक माँ के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ देता है, एक माँ के मांग के सिंदूर को मिटा देता है, बॉर्डर में खड़े हुए सिपाही को शहीद कर देता है और जाने अनजाने में हमारी वो गलती हाथों मार को बढ़ावा देती है। हम बड़े नशे के आपूस में आ जाते हैं और जिस समय माँ बाप को सहारा देना होता है उनको बाहर निकाल देते हैं। जिस माँ ने भूखे प्यासे हमको पाला था, जिस माँ ने हमें गोद में रखा था, जिस पिता ने हमें गोदी में खिलाया था, उस पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं। तुमने देखा होगा इस उत्तराखंड की घर घर की घटनाएं, चाहे उस चंपावत की हो, चाहे पिथौरागढ़ की, चाहे बागेश्वर की, आप अखबार में देखते होंगे कि आज नशे में बकरी चरा के घर आया और नशे की हालत में पिता के ऊपर वार कर दिया। ये कैसी औलाद बेटा, फिर ये कैसी इंसानियत। कोई बदले न बदले, अपने आप को बदलो बेटा। कोई सरकारें सुधरे न सुधरे, अपने आप को सुधरो। अगर हम सुधर गए, हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी।